हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। और अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर मातृभूमि की रक्षा करने वाले महान दानवीर भामाशाह जी की भी जयंती है आज। सादर नमन इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि हमारे देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत हुई। बैंकों का कुल एनपीए अब 2.8% पर आ गया। हालांकि ये एनपीए कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत ज्यादा है। और आरबीआई का कहना कि अब हमें वित्तीय सेक्टर को और भी वैश्विक बनाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकिंग सेक्टर की हालत काफी मजबूत हुई है। 2012 के बाद पहली बार एनपीए 3% के ये नीचे आया है, 2.8% है ना। चलिए खबर देखिए। इस बार बजट 2024 में सीनियर सिटीजन को होगा फायदा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दूरगामी नीतियों वाला होगा ये बजट। दरअसल लोकसभा स्पीकर नियुक्त किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। तकरीबन 50 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने कई बड़े वादे किए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सेनाओं में सुधार किया जाएगा, हालांकि अग्निवीर का नाम लिया। और शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने नीट के नारे भी लगाए। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रभावशाली अभिभाषण, आपातकाल से लेकर पेपर लीक, सेना और कई सुरक्षा मुद्दों पर अपनी बात रखी। राष्ट्रपति बोली कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला था आपातकाल। वहीं चुनावी नतीजों पर भी उन्होंने कहा कि जनता ने तीसरी बार स्पष्ट जनादेश दिया, 6 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब 60 सालों में। और देखिए, संसद में बोली राष्ट्रपति, कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। घाटी में मतदान को लेकर संयुक्त सत्र में भी राष्ट्रपति मुर्मू ने बातचीत की। एक और बड़ी घोषणा की उन्होंने, 70 साल के हर बुजुर्ग के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी अब सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। अभी इस योजना में आपको बताऊंगा, हर साल अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का काम भी जारी है, जिससे कि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। अच्छा, एक और योजना का जिक्र किया राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में, सुकन्या समृद्धि योजना का। उन्होंने कहा कि इस पर अभी 8.2% ब्याज मिल रहा है। 1,000 रुपए से हर महीने का निवेश भी करते हो तो आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हो इस योजना के जरिए। मात्र 250 रुपए में सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं और ये टेबल में इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं कि हर महीने आप कितने 1,000 का निवेश करते हो तो कितने सालों में आपका बजट बढ़कर कितना फंड बन जाएगा, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, अब पूरे देश में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अभी तो गुजरात, अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम पर काम तेजी से चल रहा और धीरे धीरे जल्द ही हमारे देश भर में बुलेट ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, शुरुआत की जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही दोस्तों, 10 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। इंडिया ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया और 2022 के सेमीफाइनल की हार का बदला भी पूरा किया। और आखिरकार भारतीय टीम ने ये तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराया। इसी के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला पूरा करते हुए 2024 के T20 फाइनल में जगह बना ली है। और दोस्तों, अब ये फाइनल का मैच कल रात 8 बजे साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच खेला जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप में 17 सालों बाद भारत की जीत के कितने % चांस है? क्या भारत जीत पाएगा या नहीं? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हिटाची पेमेंट सर्विस को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मिली ऑनलाइन भुगतान की अनुमति। और अब इसके जरिए भी आपको कई सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे UPI, नेट बैंकिंग, पे नाउ, बाय लेटर वगैरह, सारी सुविधाएं आपको इस पर मिल पाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, रिलायंस जियो कंपनी ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका। रिचार्ज प्लान टैरिफ प्लान को महंगे कर दिए हैं और ये बढ़ी हुई कीमतें 3 जुलाई से ही लागू होगी। देखिए, रिलायंस जियो का ग्राहकों को बड़ा झटका, सभी तरह के रिचार्ज प्लान महंगे हो चुके हैं। जो 155 रुपए वाला प्लान था वो अब आपको 189 रुपीज में मिलेगा, यानी कि 189 रुपए में। लगभग 25% तक रिचार्ज प्लान महंगे हो चुके हैं। जो 239 रुपए वाला प्लान था अब आपको 299 रुपए में मिलेगा। और ये सभी प्लान की नई कीमतें 3 जुलाई से लागू होगी। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल कि कितने वाला प्लान अब आपको कितने रुपए में मिलेगा। ये पुरानी कीमतें थी और ये नई रेट है। और किस रिचार्ज में कितना डेटा मिलेगा, कितने दिनों की वैलिडिटी रहेगी, 28 दिनों से लेकर 56 दिन, 84 दिन वाले और 1 साल वाले प्लान की कीमतें सबके बढ़ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा रिलायंस जियो के डेटा टॉपअप प्लान की भी नई कीमतें क्या होगी और पोस्टपेड प्लान का नया रेट भी आप देख सकते हैं। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार ने एक दिन पहले स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी की और उसके बाद हमारे देश के विश्लेषकों ने भी कहा था कि अब दूर संचार कंपनियां यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और देखिए, रिलायंस की तरफ से तो अब घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई से ही आपका मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा क्योंकि सभी कंपनियां अपने टेरिफ प्लान बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जियो ने तो ऑलरेडी बढ़ा दिए, उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह
सब बढ़ा देगी, क्योंकि इस दो दिन की स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज्यादा ही एयरटेल ने 6,857 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा है। तो एयरटेल तो बढ़ानी ही है कीमतें, जाहिर सी बात है। बाकी देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। भारत में साल 2025 से लागू होगा नया कानून, सभी मोबाइल और टेबलेट में एक कॉमन चार्जर का इस्तेमाल करना होगा। भारत सरकार यूरोपियन यूनियन की तरह एक नया कानून लागू करने की तैयारी में है और इस नियम के मुताबिक अब देश में एक ही तरह की डिवाइस के लिए एक ही तरह के चार्जर का इस्तेमाल होगा। ई वेस्टेज को कम करने के लिए ये सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया है और इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हाल ही में एक नया कानून बनाने की घोषणा भी की है। अभी आपको बताऊंगा एप्पल के फोन में भी टाइप सी चार्जर आने लग गया। वैसे ज्यादातर एंड्रॉइड फोन में टाइप सी ही आता है, लेकिन कुछ में जो एंड्रॉइड वाला पुराना चार्जिंग सॉकेट आता है वो भी अब टाइप सी आने लग जाएगा 2025 से ही। चलिए अगला अपडेट देखिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट भी अब केंद्र सरकार में शामिल होगा और इस बार के बजट से ही ये नया फैसला लागू किया जाएगा। चलिए खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में आम आदमी पार्टी ने फूंका बिगुल। 29 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि अभी तो केजरीवाल को और सीबीआई की हिरासत में भी ले लिया, तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। 29 जून को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, नीट पेपर लीक केस में भी सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है और इसमें दो जनों को गिरफ्तार किया है। बिहार पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। आरोप है कि इन दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया और यही सवाल रटाए थे। हना तो नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई की तरफ से बिहार पटना में जांच एजेंसी ने यह बड़ा एक्शन लिया। और इसके अलावा देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को एक नोटिस जारी किया इसी मामले में। एनएसयूआई ने भी हंगामा किया, संसद में सरकार को घेरने की भी तैयारी चल रही है। खबर है कि विपक्ष नीट विवाद पर संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगा, हालांकि सरकार भी बोली कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अब नीट पेपर लीक मामले में संसद में आज सरकार भी जवाब दे सकती है, तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि अब तक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना हमें नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में जज सरकार की पॉलिटिकल ब्रांच से अलग थलग जीवन जीते हैं, यानी कि इनका यह कहना कि सरकार का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर नहीं है ऐसा। और वहीं देखिए सीजेआई चंद्रचूड़ ने 29 जुलाई से लोक अदालत का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस हैं, मामले हैं, उन पर चिंता जताते हुए जल्द ही सुनवाई करने का प्लान बनाया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अब दुश्मन के हवाई हथियार को पल भर में मात देगा डीआरडीओ का ये खास ड्रोन। 10 परीक्षण में ये 100% सफल रहा है और भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है मिशन अभ्यास की सफलता के साथ ही। चलिए खबर है, भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना टाटा। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू 9% बढ़कर 2.38 लाख करोड़ हो चुकी है और इसके बाद इंफोसिस दूसरे नंबर पर है। फिर एचडीएफसी ग्रुप, एलआईसी ग्रुप, रिलायंस, एसबीआई, एयरटेल और भी ये 2024 की रैंकिंग लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। मेक्सिको और चीन को भी पछाड़कर भारत इस मामले में नंबर 1 बन चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से दुनिया के 195 देश हिल गए। बात कुछ यूं है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसे देखकर चीन पाकिस्तान भी चौंक गए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2023 में भारत को विदेश से रिकॉर्ड तोड़ $120 अरब मिले, जो कि इसके पिछले साल यानी 2022 के मुकाबले 7.5% की बढ़ोतरी में रहा है। अच्छा ये जो भारत को पैसे मिले ये कोई निवेश के तौर पर नहीं आए, बल्कि जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं ना, उन्होंने कमाई करके ये भारत में पैसे भेजे अपने अपने परिवारों के पास। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में रह रहे भारतीयों ने इंडिया में भेजे, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है किसी प्रवासी देश के लोगों ने अपने देश में जो पैसे भेजे उनसे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा हमने कुछ टाइम पहले आदिवासी ऑयल के बारे में बात की थी। मुझे आप लोगों के काफी सारे मैसेज भी मिले जिसमें आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरा वीडियो देख करके ये तेल मंगवाया और इस्तेमाल करना शुरू किया और उनके बालों की ग्रोथ में नोटिसेबल फर्क भी देखने को मिला। ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, खुशी भी हुई। तो दोस्तों आज मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने पहली बार इस तेल को इस्तेमाल किया था ना, मुझे लगा कि ये भी बाकी तेल की तरह साधारण तेल होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ महीने इसके लगातार इस्तेमाल के बाद मुझे वाकई में फर्क नजर आया। मेरे बाल ना सिर्फ मजबूत हुए बल्कि उन एरियाज में भी उगने लगे जहां पहले बाल बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा जिनके बाल कम उम्र में सफेद होने लगते हैं उनके लिए भी ये तेल काफी असरदार है। ये तेल कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोगों ने बनाया है और इन लोगों को जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। इस तेल को 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। और हाँ ध्यान रखना दोस्तों, ऑनलाइन ये तेल असली से ज्यादा नकली बेच रहे हैं, जिसमें एक बोतल के साथ एक फ्री वगैरह के ऑफर भी देखकर लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो आप इस चक्कर में ना पड़े। ये आदिवासी तेल का जो ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का, ये लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसी लिंक पे क्लिक करके असली प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि मार्केट में नकली प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं। ओके और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री, 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। चलिए खबर है, एथर एनर्जी महाराष्ट्र राज्य में अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, 2000 करोड़ का निवेश करेगी और इस नए प्लांट से तकरीबन 4000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार और कंपनी के बीच ये समझौता भी हुआ है और
वहीं देखिए बड़ी खबर, आतंकी पन्नू मामले में अमेरिका बोला, भारत सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया, जांच समिति की रिपोर्ट मांगी और अब कहा कि हम मामले में जवाब नहीं चाहते हैं। खबर है एयर इंडिया की ओर से दिल्ली लंदन रूट पर बढ़ाई जाएगी फ्लाइट्स की संख्या, 1 सितंबर से तैनात होंगे A350 नए विमान। और वहीं देखिए साल 2025 में शुरू हो जाएगा गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, अप्रैल जून तिमाही में टॉप 7 शहरों में 5% बड़ी घरों की बिक्री, जो कि पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट में रही, ये डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बाजार नियामक सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के विनियमन से जुड़े मानदंडों यानी कि नियमों को मंजूरी दे दी है, शेयर बाजार में निवेशकों के जोखिम को दूर करने के लिए ये कुछ नए नियम बनाए गए हैं। और सेबी की तरफ से क्या क्या बड़े फैसले लिए गए जिसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेबी ने देखिए आप स्टॉक मार्केट में कंपनियों की डीलिस्टिंग के लिए फिक्स्ड प्रोसेस का विकल्प भी शुरू करने का फैसला किया है और सेबी के द्वारा बोर्ड से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी को मार्केट से अब किस तरह से डीलिस्ट किया जाएगा, इसके लिए ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं ताकि शेयरधारकों और निवेशकों का पैसा डूबे नहीं, है ना। ये नए नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होगी ये सीएनजी कारें, नेक्सॉन सीएनजी और स्विफ्ट सीएनजी तक इस लिस्ट में शामिल है। मारुति कंपनी की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई, साल 2025 तक आपको इंडियन मार्केट में ये सीएनजी कार देखने को मिलेगी। और वहीं देखिए अपडेटेड जावा 350 क्लासिक बाइक भी 2,14,000 रुपए में लॉन्च हुई, इसमें आपको नए एलो व्हील, 334 सीसी का अपडेटेड इंजन और भी कई एडवांस फीचर मिलेंगे, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक से इसका मुकाबला होगा। और चलिए दोस्तों, रोजगार पर एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप एमएसएमई इकाइयों में 2025 तक मिलेगा 1,20,00,000 लोगों को रोजगार, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टैलेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एनएलबी सर्विसेज की ओर से जारी की गई ये ताजा रिपोर्ट, कल ही जो एमएसएमई दिवस था इस मौके पर ये रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि कोरोना महामारी के बाद भारत में डिजिटलाइजेशन के बढ़ते चलन के कारण निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और सप्लाई चेन एमएसएमई में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और सबसे ज्यादा रोजगार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन राज्यों में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कल एमएसएमई डे के मौके पर यूपी सरकार की तरफ से भी शानदार घोषणा की गई, यूपी में युवाओं को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एमएसएमई दिवस पर यह बड़ी घोषणा की गई और इस ऐलान के साथ ही सीएम ने 20,000 करोड़ के ऋण वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में इस योजना में 10 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। सीएम ने एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया। और देखिए उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की तरफ से भी कहा गया कि छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराए अब बैंक, सभी बैंकों को भी ये निर्देश जारी किए। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में माटी कला उद्योग लगाने के लिए भी अब लोन मिल पाएगा, शिक्षित बेरोजगार युवाओं से सरकार ने ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं। 10,00,000 रुपए तक के लोन की व्यवस्था की है इस योजना में और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको यूपी माटी कला बोर्ड .in इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई तक किए जा सकते हैं। देखिए इस मौके पर सीएम योगी बोले कि एमएसएमई से जुड़े लोगों को 1,000 दिन परेशान नहीं करेगा कोई भी विभाग, हम आगे बढ़ने का पूरा मौका देंगे, किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा मतलब कोई रोक टोक नहीं लागू की जाएगी, ये ऐलान किया गया। और एक अच्छी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी को लेकर भी नया प्लान है, 3 साल के अंदर फिल्म इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा, 156 एकड़ में निर्मित होगी ये इंडस्ट्री। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, 88,00,000 से ज्यादा राजस्थानियों के खातों में खटाखट पहुंचने लगे रुपए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से 1,037 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए गए। बात कुछ यूं है कि सीएम भजनलाल ने राजस्थान में पेंशनर्स को ये बड़ी सौगात दी है और तकरीबन 88,44,000 लाभार्थियों के खातों में 1,037 करोड़ रुपए जमा होंगे और इसकी शुरुआत भी कर दी है सीएम योगी ने। झुंझुनू में पेंशन लाभार्थियों से संवाद भी किया और इस दौरान ये रुपए ट्रांसफर करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब को गणेश माना है हमने। दरअसल राजस्थान में सरकार ने पेंशन राशि को भी बढ़ा दिया, अभी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दिया है और ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही लोगों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ये 1,150 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ और नए नियम भी लागू किए, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली अच्छी खबर, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज किया गया, तबियत बिगड़ने की वजह से कल ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था, आपको बताऊंगा। डॉक्टर बोले कि माइनर ऑपरेशन भी हुआ लेकिन अब इनकी सेहत ठीक है, इन्हें छुट्टी मिल चुकी है। और बड़ी खबर आ रही है महंगाई पर, देखिए आपका घर का बजट बिगाड़ रही है, टमाटर भी और ज्यादा लाल हुआ और प्याज भी लोगों के आंखों के आंसू निकाल रहा है, हरी सब्जियां वगैरह बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, अभी मौसम की मार के चलते हैं किचन पर ये प्रहार के रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। हालांकि एक अच्छी खबर ये आ रही है कि इस साल अगर बेहतर मानसून रहा, जो कि उम्मीद भी है, तो इससे भारत की घरेलू जीडीपी मजबूत होगी और 7% से ज्यादा रहेगी आर्थिक वृद्धि दर भी। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से भी ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, तो इससे हमारे देश में महंगाई थोड़ी कम भी होगी, है ना, क्योंकि NCAER का कहना कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के 7.5% की दर से बढ़ने की संभावना है, तो ये एक राहत की बात है। और अभी जो अगले महीने जुलाई में बजट आने वाला है, इससे भी ये उम्मीदें हैं कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन में 1,00,000 तक की छूट दे सकती है, मूल छूट सीमा भी बढ़कर 3,50,000 रुपए तक की जा सकती है। देखते हैं आगे और वित्त मंत्री
मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं बजट में मैं आपको बताता रहूंगा। और वहीं देखिए भारत में इंटरनेट यूजर्स पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2029 तक 65% पहुंच जाएगी भारत में 5G ग्राहकों की संख्या। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से एक संज्ञान मोबाइल ऐप शुरू किया गया है जिस पर आपको 3 आपराधिक कानूनों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बताऊंगा सरकार की तरफ से 1 जुलाई से ही 3 नए आपराधिक कानून जो लागू किए जा रहे हैं। हत्या के मामले में भी अब IPC 302 की जगह धारा 101 लगेगी वगैरह वगैरह, और भी कई कानूनों में बदलाव होने जा रहे हैं। मैंने आपको काफी बार इनकी अपडेटेड डिटेल बताई भी है, तो इन्हीं कानूनों की ज्यादा जानकारी अगर आप विस्तार में देखना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे के संज्ञान मोबाइल ऐप के माध्यम से देख पाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों की शोध में एक बड़ा खुलासा हुआ है, मां के दूध से होगा ब्लैक फंगस का इलाज। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए थे आपको बताऊंगा, और अब दिल्ली एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहयोगियों ने रिसर्च में इस बात का पता लगाया है कि ये ब्लैक फंगस का इलाज मां के दूध से संभव है, क्योंकि मां के दूध में लैक्टोफेरिन करके एक एलिमेंट होता है जो सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, और तभी तो कहते हैं मां तो मां होती है। अपनी मां से सच्चा प्रेम करने वाले सभी यूजर्स इस वीडियो पर अभी का भी एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, और सपोर्ट दिखाइए, देखते हैं कितने लोग अपनी मां को दिल से चाहते हैं, क्योंकि हम सब ने अपनी मां का ही दूध पिया है, तभी आज मैं भी आपको ये खबरें सुना पा रहा हूं और आप भी अपने मोबाइल में ये वीडियो देख पा रहे हो अपनी मां की ही बदौलत। तो अपनी मां के लिए एक लाइक तो बनता है यार, क्या कंजूसी करते हो, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और हाँ, अभी तो वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आपको और जानने को मिलने वाली आगे भी, तो बिल्कुल पूरा देखते रहिएगा वीडियो को, और टाइम वेस्ट अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते खबरों में। लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में भी अब 3 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ, क्योंकि अगले 3 दिन में दिल्ली से भी मानसून टकरा जाएगा, और मौसम विभाग का कहना है कि जून के आखिरी 3 दिन में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है, और अब 29-30 जून तक दिल्ली में भी पहुंच जाएगा मानसून। राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश हो रही, कुछ जगहों पर सड़कों पर मगरमच्छ भी घूमते हुए मिले। ये भारत का मानसून मैप आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां जहां आपको ब्लू एरिया दिख रहा है वहां वहां मानसून पहुंच चुका है, और ये जो खाली एरिया दिख रहा है यहां भी 2-3 दिन में मानसून पूरे भारत में कवर कर लेगा। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में भारी बारिश और बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, पाली में एक युवक नदी में बह गया, और मध्य प्रदेश के भी जो बाकी 6 जिले थे वहां भी अब मानसून पहुंच चुका है, यानी मानसून ने अब पूरे MP को पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में भी 16 शहरों में जोरदार बारिश देखी गई। जालौन में सड़कों पर पानी भरा, बिजली गिरने से 5 जिलों में यूपी में 9 लोगों की जान जाने की खबर है। झारखंड में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी लोगों को, लेकिन 29 जून के बाद झारखंड में भी मानसून का असर दिखने लग जाएगा, और 30 तारीख के बाद पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। हरियाणा में आज तेज बारिश होगी, हिमाचल पंजाब में भी मानसून की एंट्री हुई, लुधियाना में बारिश में करंट लगने की वजह से 3 लोगों की जान भी चली गई। और वहीं पहाड़ी राज्यों में देखिए, हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में मानसून की दस्तक हुई, हालांकि 2 दिन देरी से आया मानसून, लेकिन अब लगातार 6 दिन बारिश की चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए दोस्तों, अभी भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि पिछले 6 दिन में एक सप्ताह में गर्मी की वजह से पाकिस्तान में 568 लोगों की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक की वजह से अभी भी 250 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हालात क्या चल रहे देख सकते हैं आप, सड़कों पर पड़े हैं, मुर्दा घर में तक जगह नहीं है। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं, तो देखिए लगातार दूसरे दिन घटी सोने चांदी की कीमतें, और अभी जून जून महीने में 1000 रुपए से ज्यादा गिरा सोना, अभी 71,730 पर चल रहा है, चांदी भी 95,500 से फिसल कर 90,000 तक आ गई है। इस महीने सोने चांदी की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, मतलब है ना। चलिए मार्केट के भी कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार ने रच दिया इतिहास, 31 साल में दूसरी बार ऐसा कारनामा हुआ जब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में इतनी ज्यादा तेजी देखी गई बैक टू बैक। अभी भारत में सेंसेक्स 79,243 पर चल रहा और निफ्टी भी 24,044 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया इंडियन स्टॉक मार्केट ने। और वहीं देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट राधा किशन दमानी से इंडिया सीमेंट की 23% हिस्सेदारी खरीदेगी, और इस डील के बाद इंडिया सीमेंट के शेयर में भी 11% तक की तेजी देखने को मिली। एलाइड ब्लेंडर्स का IPO भी 2 दिन में 1.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए देश में पहली बार NCMC कार्ड की सेवा हिमाचल प्रदेश से शुरू होने जा रही है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड 15 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा। और खबर है दोस्तों, पहले तेल और अब स्पेशल ट्रेन। दोस्त रूस ने भारत के लिए एक और खास तोहफा भेजा है, इंडियन इकोनॉमी को 4 चांद लगेंगे इससे। दरअसल आपको बताऊंगा, पहले रूस ने काफी समय तक भारत को सस्ता तेल दिया, और अब एक स्पेशल ट्रेन भी शुरू होने जा रही है रूस इंडिया के बीच, और इससे भारत की इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, ओम बिड़ला ने हुड्डा से कहा कि सलाह मत दो, चलो बैठो। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही बहुमत की सरकार कहा तो विपक्ष ने विरोध जताया। संसद के 4th दिन में कुछ यू मोमेंट्स देखने को मिले, और वहीं पार्लियामेंट सेशन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक भी हुई। अब लोकसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए कुछ मुद्दे भी तय किए गए नीट वगैरह के। ओम बिड़ला से राहुल गांधी ने भी मुलाकात की, इमरजेंसी के जिक्र पर उन्होंने नाखुशी भी जताई। वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी, लोकसभा स्पीकर के ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास हुआ। कुछ और पॉलिटिक्स के माहौल
देखिए आप कर्नाटक में वक्कालिंगा संत ने अपील की है कि सिद्धारमैया अपना पद छोड़ें, शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। राज्य में पहले ही उठ चुकी है 3 डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी। इधर सेम पित्रोदा को फिर से बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष, 50 दिन पहले पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने, विरासत टैक्स के बयान पर विवाद हुआ था। महाराष्ट्र में देखिए उद्धव ठाकरे ने किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की, कांग्रेस ने 2 नेताओं को निलंबित भी किया। और वहीं देखिए देश प्रेम जिस व्यक्ति में नहीं वह गद्दार है, मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर मध्य प्रदेश के मंत्री और कद्दावर नेता विजय शाह ने यह जवाब दिया। जय फिलिस्तीन नारे के विरोध में असुद्दीन ओवैसी के घर की नेम प्लेट पर भी कालिक पोत दी गई स्याही वगैरह, ये कुछ माहौल चल रहा है। ओके, और पॉलिटिक्स की बातें छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए कुछ क्विक अपडेट, डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट भारतीय नौसेना को सौंपा। और वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख बना पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और देखिए जीआरएसई ने जीता सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड, ये कंपनी को इस साल का अवार्ड मिला है। वहीं लेखिका अरुंधति रॉय को भी मिला 2024 का प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार। यूएपीए के तहत मुकदमे का भी ये सामना कर रही है, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और खबर देखिए आप, शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं देने के मामले पर अब फॉक्सकॉन कंपनी पर सरकार ने शिकंजा कसा और रिपोर्ट भी मांगी है। खबर है अडानी डिफेंस ने थेल्स कंपनी के साथ हाथ मिलाया, भारत में बनेंगे 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट भी। और वहीं जलवायु परिवर्तन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भीषण गर्मी ने भारतीय महिलाओं की आय पर भी बड़ा असर डाला है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन के अध्ययन से ये बात सामने आई है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, वीवो T3 लाइट 10,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और बड़ी खबर देखिए, झारखंड में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया, प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी भी की। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मादक पदार्थ बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, झारखंड सरकार की तरफ से नशा मुक्त झारखंड अभियान शुरू करने का लक्ष्य भी बनाया है। और बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा, अफवाहों पर लगाम लगाते हुए रेलवे ने कहा कि अब भी दूसरों के लिए ई टिकट बुकिंग बंद नहीं हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही थी कि ये सेवा रेलवे ने बंद कर दी है। तो इस पर रेल मंत्रालय की तरफ से ये जवाब देते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा फर्जी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएफ खाता यानी कि प्रोविडेंट फंड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, अब नहीं कर पाएंगे 5 लाख रुपए से ज्यादा का अंशदान। जिन लोगों ने ज्यादा अंशदान कर रखा उनका पैसा वापस लौटाएगी बिहार सरकार, एक साल में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही निवेश कर पाएंगे आप पीएफ खाते में। सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी सेवकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है ना। और राजस्थान में भी देखिए बड़ा आदेश, अब क्लास में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे शिक्षक, ऑर्डर भी जारी हो चुका है। गर्मी की छुट्टियों के बाद जो अब वापस स्कूल खुल रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षकों के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए और कहा कि इस नियम को मानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में भी सरकार का एक बड़ा फैसला, अब अपात्र लोग नहीं ले पाएंगे छात्रवृत्ति और सरकार इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और अपात्र लोगों को छात्रवृत्ति का लाभ अब नहीं मिल पाएगा, इसके लिए भी कुछ नए नियम और शर्तें लागू की गई, देख सकते हैं आप। और बिहार में देखिए कुछ जिलों में प्राइवेट स्कूलों ने 10% से ज्यादा फीस भी बढ़ा दी है, तो अब उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। भोपाल वगैरह में ये केस सामने आए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाबी लोग अब अपनी ही भाषा में हनुमान जी की अर्चना कर पाएंगे, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से पंजाबी भाषा में हनुमान चालीसा की छपाई की जाएगी। और चलिए बड़ी खबर देखिए, 3 नए आपराधिक कानूनों का इस राज्य की बार काउंसिल ने विरोध किया, 1 जुलाई को काला दिवस मनाने का भी फैसला किया है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से ये केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों का विरोध करने का ऐलान किया गया। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 44,000 श्रमिक परिवारों को मिलेंगे 29 करोड़ रुपए, ये घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की गई है। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निर्देश पर 44,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों के खातों में 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना के तहत महिलाओं को 20,000 रुपए दिए जाएंगे, 6,000 से भी ज्यादा महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। आना और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या प्लान बनाया गया इसको लेकर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में जुटी है मोदी सरकार और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को $11,50,000 से भी ज्यादा की धनराशि दी गई है, ताकि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके। और देखिए राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश सरकार में टकराव हुआ, कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद को लेकर अब ये मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स जोन बनाया जाएगा। और खबर है हरियाणा सरकार अपनी कैबिनेट बैठक में ये फैसला भी ले सकती है, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है नायब सरकार, ये प्लान बनाया जा रहा। और देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि लड़कियों के लिए लाडली बहना तो लड़कों के लिए लाडला भाई योजना लागू की जाए, लड़कों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। साथ ही राज्य में किसानों की इन घटनाओं पर भी मुद्दा उठाया उद्धव ठाकरे ने। और चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप, राजस्थान में स्कूल कॉलेजों के नामकरण में अब राजनीति नहीं चलेगी, नई गाइडलाइन बनाई जाएगी, IAS को कॉलेज शिक्षा आयुक्त लगाने पर भी आपत्ति जताई। और वहीं राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी जरूरी खबर आ रही है, अगले साल 20 फरवरी से शुरू होंगे मेन एग्जाम, आवेदन की तारीख भी घोषित हुई, ये कुछ ज्यादा डिटेल्स अपडेट्स
वगैरह देख सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का भी कहना कि अब हर सरकारी नौकरी की भर्ती के ज्वाइनिंग लेटर सीएम भजनलाल खुद देंगे। 2 महीने में होंगे समारोह। 29 जून को 7,000 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र भी। और वहीं देखिए राजस्थान में किसानों का भी आरोप है कि पंजाब सरकार उनको उनके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। किसानों ने गुस्सा किया, महापड़ाव भी किया, बोले कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए 8 राज्यों के जैसे राजस्थान में भी धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है भजनलाल सरकार। राजस्थान के कई जिलों में सरकारी कर्मचारियों स्पेशली बिजली निगम के कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी मांग की और आंदोलन की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल बोले कि विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और वहीं देखिए एक नया नियम, प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की जानकारी देने पर अब 10,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान में भंडारण, परिवहन व विक्रय की दी जा सकेगी सूचना। जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन वगैरह, इनका अगर कोई इस्तेमाल कर रहा तो जानकारी देने वालों को 10,000 का इनाम मिलेगा। अब राजस्थान में किन किन चीजों पर प्रतिबंध है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा एक और नई पहल, एक पौधा बेटियां के नाम, इस थीम पर अभियान चलाया जाएगा राजस्थान में। कई जिलों के कलेक्टरों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत की। राजस्थान राज्य का बजट 10 जुलाई को जारी होगा। 2 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होगी। ओके, चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। एमपी में सीएए के तहत 3 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली। सीए कानून के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि पीएम मोदी ने सीएए के जरिए सुरक्षा की छतरी देने का काम किया। और उनका ये भी कहना है समान नागरिकता संहिता कानून पर, बोले सीएम मोहन यादव कि जैसे जैसे अनुमति मिलेगी दूसरे राज्य भी ये कानून लागू करते जाएंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि कर्ज के दलदल में भी फंसती जा रही मध्य प्रदेश सरकार। 2024-25 में 88,450 करोड़ रुपए लेकर नया रिकॉर्ड भी बनाया एमपी सरकार ने। इतना लोन लिया मतलब देखिए। और एक अच्छी खबर है, इंदौर में भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। स्पीड चेक करने के लिए रात को टेस्टिंग की गई। 3 मिनट में तय की 6 किलोमीटर की दूरी। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार फ्लाईओवर के नीचे बनेगा स्पोर्ट्स जोन। क्रिकेट और बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलेंगे यहां बच्चे। रायपुर में 15 से 20 दिनों में होगा तैयारी। एक नया नियम ये भी लागू हो चुका छत्तीसगढ़ में कि 33 नहीं बल्कि अब 40% नंबर आए तो ही पास होंगे स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है और प्राइवेट परीक्षार्थी भी अब सेमेस्टर एग्जाम दे पाएंगे। और भी ये कुछ नई गाइडलाइंस आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में। पुरानी और नई शिक्षा नीति में भी क्या अंतर है इसकी जानकारी भी। चलिए बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 14 और ट्रेनें रद्द की गई। पश्चिम बंगाल, गुजरात, पुणे की यात्रियों की भी बढ़ेगी परेशानी। रेलवे से एक और अपडेट है, 29 जून से 6 जुलाई तक 16 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से भी ये निर्देश जारी किए गए। चलिए खबर है, 60,000 नौकरी धारकों को मिलेगा पेंशन का लाभ। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षकों को सर्वाधिक लाभ दिया जाएगा। अब वित्त विहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगा शिक्षक संघ। यूपी में ये बड़ा फैसला लिया गया, ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। 2024-25 सत्र में 1530 जोड़े 7 फेरे लेंगे। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसका लिंक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर है, हरियाणा कैबिनेट में फैसला लिया गया, फैमिली आईडी में अब इनकम ठीक कराने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना अनिवार्य होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा समाधान शिविर में जाकर फॉर्म भरकर परिवार पहचान पत्र में इनकम कम करवा सकते हैं, ये कुछ निर्देश जारी हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य में शहीद परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी मिलेगी। स्टाम्प विक्रेताओं के लिए भी फायदे में जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए गए, देख सकते हैं हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ प्रमुख फैसले। 3रा फैसला, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में भी पद भरे जाएंगे। पुलिस कर्मियों का भत्ता भी दुगुना कर दिया, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा किसान भाई लोग अपनी स्वेच्छा से नलकूपों का लोड भी बढ़ा सकेंगे। 1 जुलाई से हरियाणा में ये फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और वहीं देखिए, हरियाणा रेवाड़ी से खाटू श्याम के लिए भी रेलवे ने स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। हरियाणा से होकर चलने वाली काफी ट्रेनों में कोच वगैरह भी बढ़ाए गए हैं, जिससे यात्रियों की भीड़ को लेकर राहत मिलेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी जल्दी हरियाणा राज्य का दौरा करेंगे, यहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। पंचकुला में बैठक होगी, 4500 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। चलिए खबर है, चंडीगढ़ में अब 24x7 बाजार खोल सकेंगे। प्रशासन की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए, हालांकि ये नियम शराब की दुकानों, पब, बार, क्लब वगैरह पर लागू नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कुछ नए निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल। लिकर शॉप के समय में कोई बदलाव नहीं होगा और बाकी दुकानों को सप्ताह में 24 घंटे 7 दिन खोलने की इजाजत होगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई है, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में ताज, आईटीसी और महिंद्रा की मदद से कुछ नए होटल बनाए जाएंगे पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए, उत्तराखंड के ग्लेशियरों में बनी 5 जिलों की स्टडी करेंगे अब वैज्ञानिक। 2 जून को पिथौरगढ़ और चामोली में एक्सपर्ट भी भेजे जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन के व्हाट्सएप चैटबॉट का भी उद्घाटन किया। बोले कि 15 दिन में अधिकारियों से कहा कि लोगों की शिकायतों को निपटाएं। वही देखिए, उत्तराखंड सरकार भी नकल विरोधी पेपर संपन्न कराने के लिए अब हाईटेक टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रही है। एआई की मदद ली जाएगी परीक्षाओं में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली का दौरा भी किया। केंची धाम, ऋषिकेश बाईपास और दून मसूरी प्रोजेक्ट को लेकर नितिन गडकरी परिवहन मंत्री से बातचीत हुई, सहमति भी बनी। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ की ही तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीन धंसने लगी है। श्रीनगर के 6 घरों में दरारें भी आई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस में पहली बार दिव्यांग कांस्टेबलों की भर्ती होने जा रही है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, यूपी में जूनियर इंजीनियर की 4376 वैकेंसी जो निकली हुई है उसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज ही है, 28 तारीख, ठीक है, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और SBI क्लर्क मेंस परीक्षा के परिणाम
जारी हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। आपत्ति दर्ज आज से ही करा पाएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल देखिए, मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। 1300 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर मिले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यह आयोजन हुआ। और देखिए एक अनोखी मोटिवेशन वाली खबर, हरियाणा के ढाणा खुर्द की है रहने वाली ये लड़की है, नाम है निशा। बिना कोचिंग किए घर बैठकर पढ़ाई की और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक बनी है। लड़कियों के लिए वाकई में बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन गई है ये। और एक और नई पहल देखिए आप, अब 3 ओएमआर सीट पर होगी यूपीपीएससी की परीक्षा। नकल माफियाओं के खिलाफ ये खास प्लान बनाया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए अब 3 ओएमआर सीट का सिस्टम शुरू किया जाएगा। अंकु से नहीं हो सकेगी छेड़छाड़, है ना। वही देखिए राजस्थान में कॉलेजों में एडमिशन की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। अब 3 जुलाई तक स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों खेल समाचार पर खबर है, टीम इंडिया फाइनल से 4 विकेट दूर। अक्षर कुलदीप ने 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, बुमराह ने सोल्ट को बोल्ड भी किया। ये खबर पढ़े जाने तक का मैच का लाइव स्कोर अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैच का रिजल्ट क्या रहा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। हालांकि ये लेटेस्ट स्कोर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टेनिस स्टार एंडी मरे ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, इस साल ये लास्ट मैच खेलेंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कुंभ राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ और मीन राशि वालों की पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। वृषभ राशि के लोगों को अवसरों पर ध्यान देना होगा। तुला राशि के लोग किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में बहने वाली किसी ऐसी नदी का नाम बताइए जो अभी पूरी तरह से सूख चुकी है। कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों अगर आप असली और जिन्वन आदिवासी तेल मंगाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक डाल दिया है, ऑर्डर कर लो। एक बार ट्रस्ट करके मंगवा के देखो यार, आपके बाल आपको हमेशा थैंक यू बोलेंगे। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।